वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड सेफर्ड एजुकेशन सेंटर अश्वासा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। स्टीफन हॉकिंग, जिसका पिछले वीडियो में आपने इनके बारे में पढ़ा था, अब आप इनके बारे जीवन के बारे में आगे पढ़िए। जिस समय इनको मोटर न्यूरॉन बीमारी नामक खतरनाक बीमारी हो गई थी, उसी समय इनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसका नाम जेन वाइल्ड था, जिसने उनकी उस समय बहुत मदद की और अंत में आगे चलकर उसका विवाह हो गया। अब आगे 1966 में स्टीफन हॉकिंग को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई। आगे स्टीफन ने कैम्ब्रिज में अपना शोध जारी रखा। मात्र 37 वर्ष की आयु में स्टीफन लुकासियस प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए। इस पद पर पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन और बाद में डिराक भी रह चुके थे। अब व्याख्यानों और लेखों से स्टीफन ने दुनिया भर के विज्ञान प्रेमियों को खूब प्रभावित किया। अपने एक व्याख्यान में स्टीफन ने कहा, हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, जैसे किसी गुब्बारे पर दो बिंदु बना दिए जाएं, उनके बाद गुब्बारा फुलाया जाए तो वे दोनों बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, पर रहेंगे गुब्बारे पर ही। यही ब्रह्मांड और ग्रहों पर भी लागू होती है, जहां एक और स्टीफन अपनी विलक्षण प्रतिभा और कड़े परिश्रम से दुनिया को नवीनतम जानकारी दे रहे, वहीं दूसरी ओर प्रकृति लगातार इनकी अपंगता बढ़ाती जा रही थी। 1985 में इन्हें भयंकर न्यूरोमिया हो गया। इस बार उनके बोलने की शक्ति भी चली गई। ऐसे में इनके सामने एक गंभीर समस्या आकर खड़ी हो गई। समस्या के हल के लिए उन्होंने एक छोटा सा कंप्यूटर अपनी व्हीलचेयर के साथ लगवाया और एक स्पीच सिंथेसाइजर भी एक कंप्यूटर के साथ लगवा दिया। अब इनके शरीर में केवल इतनी शक्ति है कि वे कीबोर्ड बटन दबाकर इधर उधर आते जाते हैं, और साथ ही वे स्पीच सिंथेसाइजर की सहायता से लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। इतनी विकट विकलांगता के बावजूद भी इनमें गजब का आत्मविश्वास था, यानी कि प्रकृति की मार ने इनको इतना अपाहिज बना दिया था, लेकिन फिर भी इनके विकलांगता इनके आत्मविश्वास ने इनको कभी साहस इन्होंने नहीं छोड़ा, और समय समय पर वे विदेश यात्रा भी करते रहे। कुछ वर्ष पहले वे अमेरिका गए, जहां इनके व्याख्यान सुनने वालों में न केवल बड़े बड़े वैज्ञानिक बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी शामिल थे। आजकल स्टीफन हॉकिंग अंतरिक्ष संबंधित तथ्यों पर और गहराई से शोध कर रहे हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी ऐतिहासिक महत्व की एक पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने आम पाठकों को ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में साधारण शब्दों में समझाया, यानी कि स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपाहिज होने के बावजूद भी उनमें इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने कभी भी अपने शरीर की अपंगता को अपनी वैज्ञानिकता के आगे नहीं आने दिया और एक से एक शोध करते चले गए, और उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों के लिए एक ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में साधारण शब्दों में समझाते हुए एक पुस्तक भी लिखी। अब आप नेक्स्ट वीडियो में इससे पार्ट की शब्दार्थ करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।